योगी सरकार का फरमान और उस पर अमली जामा पहनाते हुए उनके जिम्मेदार अफसर, बाबा के अफसर अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतया पालन कर रहे हैं। जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका पूरा लाभ लोगों को मिल रहा है। साहब लोग बड़े फक्र से या कहते हुए आपको दिख जाएंगे कि शासन की मंशा के तहत कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य का धरातल और कागजों में प्रतिशत का कितना अंतर है? क्या सच में योगी जी के अफसर शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और सच में यूपी में रामराज आ गया है? नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। इन्हीं सब विषयों को जानने के लिए मैं आज मंगलवार सुबह 6 बजे अयोध्या जिले के गोसाईगंज स्थित नवीन उपमंडी में पहुंच गया। वहां पर भोर का समय था और हल्का हल्का अंधेरा था। वहां पर राहगीर लोग आ जा रहे थे सुदूर से, सामानों को लेकर, सब्जियों को लेकर वाहन मंडी में प्रवेश कर रहे थे और दुकानदार भी धीरे धीरे उनके पैरों की चहलकदमी दिख रही थी। शासन की मंशा के अनुसार सभी किसानों को धान बेचने के लिए यहां पर खरीद केंद्र खोला गया है और उसका MFC पर भुगतान के लिए कहा गया है, लेकिन यहां पर देखा गया कि धान लदी ट्रालियों का लंबा रेला लगा हुआ है, जबकि 1 नवंबर से धान खरीद के लिए सेंटर खोल दिए गए हैं और आज 31 जनवरी को 3 महीना बीत गया है, लेकिन खरीद केंद्र से धान लदी ट्रालियों का लंबा रेला हट नहीं रहा। जानकारियों की माने तो इस बार गोसाईगंज की विपणन शाखा पर एक ही परिसर में 2 खरीद केंद्र खोलने की बात कही गई थी, मतलब किसानों को भरपूर लाभ दिलाने के लिए शासन ने पूरी तैयारी किया था, लेकिन उनके अधिकारी उनकी मंशा पर पानी फेर दिए। लोगों का कहना है कि यहां पर केवल एक ही कांटा चलता रहा, जब कोई अधिकारी जांच के लिए आ जाता था तो केवल देखने के लिए दूसरा कांटा चला दिया जाता था। अब सवाल उठता है कि आखिर कई दिनों से ट्रालियों का लंबा रेला लगना क्या दर्शाता है? दूसरी बात, यदि किसानों का नंबर लगा दिया गया था और किसानों का धान नंबर से ही यहाँ पर तौला जा रहा है और किसानों को नंबर से ही बुलवाया जा रहा है, तो फिर कई दिनों से ट्रालियों का लंबा रेला लगना अनकहे सवाल छोड़ जाता है। क्या ऐसा सवाल जो यूपी में शासन की मंशा और अफसरों द्वारा उनके अनुरूप किए जा रहे कार्यों पर सवालिया निशान जरूर लगाता है? पुराने जमाने में राजा लोग भेष बदल कर राज्य में भ्रमण करते थे और यह पता लगाने का प्रयास करते थे कि उनके राज्य में क्या चल रहा है, लेकिन आज के समय में राजा के आने की सूचना कई दिन पहले हो जाती है और राजा के आने के पहले ही उनके द्वारा आने के स्थान को स्वर्ग जैसा बना दिया जाता है, जैसे पूरे राज्य में ऐसा ही माहौल है। फिलहाल यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी को या उनके सिपा सलार जो इस वीडियो को देख रहे हों, यदि यह वीडियो उन तक पहुंचता है तो उन्हें इस मसले पर जरूर खुफिया तंत्र भेज कर जानकारी एकत्रित करना चाहिए। कहते हैं कि जिस देश में अन्नदाता खुशहाल रहता है, वास्तव में असली खुशहाली तभी आ पाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही समाचार देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल न्यूज 524 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी खबरें आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नमस्कार।